एक क्यामत की निशानी आ गई है। आसिफ जरदारी ने मेरे ऊपर हर्जाना कर दिया, डेफमेशन कर दिए। डेफमेशन का क्या मतलब होता है कि मेरी रेपुटेशन को नुकसान पहुंचाया गया है, इसलिए मैं अदालत में जा रहा हूं। आसिफ जरदारी साहब, सबसे पहले जब यह अदालत में केस जाएगा, मैं तो बड़ा शुक्र कर रहा हूं कि आप अदालत में आएंगे, सबसे पहले वो आपसे पूछेंगे क्या आपकी कोई रेपुटेशन है जो खराब हुई है, उसको नुकसान पहुंच सकता है। सारी दुनिया में मजमून आपको दिखाएंगे पहले कि मिस्टर 10% आपका नाम रखा गया था, कि हर चीज के ऊपर पैसे बनाते थे। सिंध के लोगों से पूछें कि क्या जुल्म का निजाम आपने वहां रखा हुआ है, कुरान पे हाथ रख के बताएं कि आपने अब तक कितने लोग मरवा चुके हैं। वो जज का जो नाम आपके ऊपर आता है, बताएं ना लोगों को कि आपने क्या क्या किया अपनी माजी में, किस तरह की दहशत फैलाई हुई आपने सिंध के अंदर। मैं तो शुक्र कर रहा हूं कि मेरे ऊपर हर्जाना करें आप। और फिर क्या ये, जब मैं कह रहा था कि मेरे ऊपर हमला होने वाला, ये जो GIT की रिपोर्ट के सामने कि एक दीनी इंतहा पसंद के नाम पे मुझे कत्ल करेंगे, तो क्या किसी ने राइटिंग में दिया था कॉन्ट्रैक्ट? मुझे पता चल ही गया था ना कहीं से, तो मैं इसलिए बोल रहा था तब और जलसों में कह रहा था कि करने वाले, उससे पहले भी एक प्लान बनाया हुआ था, ये प्लान भी बना था, तो कोई मुझे राइटिंग में तो किसी ने नहीं कहा था कि आप सबूत दें जी, मुझे इंफॉर्मेशन मिली थी तो मैंने कहा था। और वो सारी इंफॉर्मेशन साबित हो रही है, ये जो GIT में कवर अप करने की कोशिश हो रही है, ये ताकतवर लोग अपने आप को बचा रहे हैं, इसलिए वो खौफ ज्यादा है कि कहीं सच ना सामने आ जाए। और ये जो आसिफ जरदारी आप ने जो गेम की है, ये एक स्प्लिंटर ग्रुप है दहशतगर्दों का, और मेरी इंफॉर्मेशन इतनी सॉलिड है, वो इतनी सॉलिड है कि वो उसमें जो जो मुझे डिटेल्स पता है कि कौन से वो एजेंसीज के ऑफिसर्स उसके साथ आपके साथ मिले हुए हैं,